बेशक हमारे मुल्क का पाकिस्तानी एयरफोर्स भी बहुत ताकतवर है, लेकिन उन हिंदुस्तानियों के पास भी कुछ फाइटर जेट्स हैं। हाँ, कारगिल के दौरान हमें हिंदुस्तानियों के मिराज 2000 से बहुत नुकसान हुआ था। पिछले मीटिंग में हमने हिंदुस्तान पर अटैक करने की साजिश करते हुए उनके कुछ मिसाइलों को एक तरफ किया था, जिससे हमें काफी खतरा है। आज हम ऐसा करते हैं, उनकी हवाई ताकत को एनालाइज करते हैं और उन पर अटैक करने की दमदार स्ट्रेटजी बनाते हैं। इस बार उनके और हमारे बीच लड़ाकू विमानों की तुलना भी देखेंगे और समझाएंगे कैसे हमारे मुल्क की सेना उन्हें बुरी तरह हराने के काबिल है। देखिए, हमारे पास सर्विस में 5 तरह के और पूरे 453 लड़ाकू विमान, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो हमसे नंबर में ज्यादा है। उनके पास अभी 7 तरह की और पूरे 667 लड़ाकू विमान है। फर्क नहीं पड़ता, हम पर उन 12 देशों के सपोर्ट के बाद वे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, अभी हम एक एक करके लो लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा F7 और हिंदुस्तानियों का MiG-21। F7 वो तो 135 है हमारे पास, और उनके पास MiG-21 132 है शायद। बिल्कुल, ये हमारे पास ज्यादा है, पर इमोशन को साइड रखते हुए अगर हम फैक्ट्स पर ध्यान दें तो ये चाइना के J7 की कॉपी है, हम सबको पता है। मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, पर उनके वाले MiG-21 की स्पीड कितनी है? 2230 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारी F7 9000 केजी तक फ्यूल, एमुनेशंस, मिसाइल्स उठा सकती है और उनकी MiG-21 10000 किलो तक। वो एक बार में 1250 किलोमीटर तक उड़ान भर सकती है और F7 हमारी सिर्फ 850 किलोमीटर। उसकी एक ड्रॉबैक भी है, अब तक उससे 400 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं। फिर भी जब वो हवा में होता है शेर जैसा लगता है। विंग कमांडर अभिनंदन ने उसी फाइटर जेट से हमारे F-16 को गिराया था, मतलब इससे हम अटैक नहीं कर सकते। अब आता है हमारा JF-17 थंडर, पाकिस्तान की छाती चौड़ी करने वाला। 109 है हमारे पास और उनके पास जैगवार 130 है। इसकी कंपेयर हम हिंदुस्तान के जैगवार से करेंगे। इसकी स्पीड हमारे JF-17 थंडर से काफ़ी कम है, सिर्फ 1750 किलोमीटर, और हमारा वाला 2205 किलोमीटर तक पहुंच सकता है, 1350 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। और 8 मिसाइल की स्लॉट है जिसमें 3 फ्यूल टैंक भी लगा सकते हैं, जिससे इसकी स्पीड 1900 किलोमीटर तक हो जाती है। ये बढ़िया है, पहले जैगवार को तो जान लो। स्पीड और रेंज इसकी भले ही कम हो, पर ये 15,500 केजी तक के मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। इसमें मिसाइल्स के लिए 5 ही स्लॉट है, पर ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी कर सकता है। 30 mm के 200-150 राउंड वाले गन्स इनबिल्ट हैं। हम बस इसे थका कर ही हरा सकते हैं। हमारे पास 2 प्लस पॉइंट है, स्पीड एंड रेंज। वैसे रेंज कितनी है इसकी? 900 किलोमीटर। वी वॉन न्यूक तो फिर भी उनके पास। अब बात करते हैं हमारे मिराज 3 और 5 की। ये तो बैकबोन है, दोनों मिलाकर 159 है हमारे पास। मिराज 3 और 5 तो कचरा है, 1967 का है। एक साथ 14 mm को कैरी करता है। कोल्ड वार के वक्त बहुत सारे मीग फाइटर जेट्स को मार गिरा है। 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है उसकी। 4000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 10000 किलो तक के बॉम्ब और मिसाइल को कैरी करता है। पर हिंदुस्तान का मिराज 2000 अकेले इन सबसे निपट सकता है। वो बात अलग है। कैसे? स्पीड थोड़ा कम है, 2500 किलोमीटर, और रेंज भी हमारे मिराज 3 और 5 से आधी है, 1550 किलोमीटर की है। पर ये 8 एयर टू एयर मिसाइल, 5 सरफेस टू सरफेस मिसाइल, 9 MK-82 बॉम्ब को कैरी कर सकता है। तबाही का पिटारा। इसके अलावे हिंदुस्तानियों के पास एक और वेरिएंट है, राफेल। वो तो बाप है सबका। नहीं, MiG-29 ज़्यादा खतरनाक है। कैसे खतरनाक है? उस पर भी आते हैं, पर पहले बात करते हैं जो हिंदुस्तान के पास सबसे ज़्यादा है, Su-30 MKI। 272 है उनके पास। स्पीड कम है, 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रेंज भी हमारी मिराज 3 और 5 से कम है, 3000 किलोमीटर, 4.5 जनरेशन की है। लेटेस्ट ये भी एक बॉम्बार्डिंग फाइटर जेट है, 12,500 केजी तक की कैपेसिटी है, 4.5 आवर्स तक उड़ सकता है और दूसरे एयरक्राफ्ट्स में रिफ्यूलिंग भी कर सकता है। हिंदुस्तान ऑलराउंडर चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है। जनाब ठहरिए, हाल ही में जो तेजस बनाया उन्होंने, ज़्यादा नहीं 16 ही है, पर मुझे लगता है वो भी ज़्यादा है। कब घुस के रन देगा पता भी नहीं चलेगा। बहुत छोटा है वो, रडार को तो समझ ही नहीं आता चील है या फाइटर जेट, डिटेक्ट करना मुश्किल है। 35 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है। इसकी सबसे खास बात इसकी रडार सिस्टम है, उत्तम AES है। हवा में 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। आमतौर पर जो वॉरशिप और जमीन पर जो फाइटर जेट्स को रोकने के लिए लॉन्चर्स लगे होते हैं, वे इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, 1 मीटर में आता है जो कि नेगलेक्ट हो जाता है। एनिमी को लॉक करने के लिए इंफ्रारेड सेंसर है, टारगेट एक बार लॉक हो गया उसके पीछे लॉक किया हुआ मिसाइल पीछा ही नहीं छोड़ेगा। इंजन ऑफ किया तो वैसे भी खत्म और ना किया तो वैसे भी खत्म। जनाब खान सर की वीडियो देखने लगे हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे बेस्ट फाइटर जेट F-16 की बात करते हैं।
इसकी स्पीड अच्छी है, मार्क 2 यानी 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी अच्छी हैंडलिंग है इसकी, दुश्मनों से पीछा छुड़ाने में काफ़ी तेज़ है। नॉन विजुअल बॉम्बिंग भी सही है और प्राइस भी कम है। फिर भी हमारे पास 6 ही है। हिंदुस्तान के पास अभी ऐसे 2 और वेरिएंट बचे हैं, जो दोनों ही आ जाएं तो हमारे सारे फाइटर जेट्स पिट जाएंगे और खुदा ना करे एक ही उड़ान में अखंड भारत का ख्वाब भी पूरा कर लेंगे। राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है, इनडेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरनेंस, तेजस की तरह डायरेक्ट वॉइस इनपुट है। इमरान के मुंह में मिसाइल मारो। ओके भाईजान, किसी एक मुल्क के तो हो जाओ। अब आखिरी जो मुझे सबसे दमदार लगता है वो है MiG-29। R-27 एयर टू एयर मिसाइल IFF सिस्टम भी लगा है। कौन दोस्त है कौन दुश्मन एकदम स्क्रीन पर। मैक्सिमम टारगेट स्पीड 3500 किलोमीटर प्रति घंटा, 0.6 की किल प्रोबेबिलिटी, 330 मीटर प्रति सेकंड की क्लाइंबिंग स्पीड, मैक्सिमम वेट कॉम्बैक्ट 3000 kg। 3 ट्रक गोला बारूद एक साथ लेकर उड़ सकता है। पूरे 66 हैं हिंदुस्तान के पास। दो दो टर्बो RD-33 इंजन है इसमें। ये हमारे मिराज 3 और 5 से भी पुराना है। US एयर फोर्स ने mid-1960s में बनाया था इसको। ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। एक बार में मैक्सिमम 3600 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अभी DRDO ने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। मतलब अगर हमें हिंदुस्तान पर हवाई हमला करना है तो हमारा मिराज 3 और 5 ही कुछ कर सकता है। हिंदुस्तान बड़ा है, अपने सारे के सारे फाइटर जेट्स को थोड़ी नहीं लेके आएगा। ज़रूरत ही नहीं है, 5 मिराज काफ़ी है पाकिस्तान को एक मिराज बनाने के लिए। मेरी परेशानी बस उनका जगवार है। कोई ना, 12 कंट्रीज का सपोर्ट है इस बार। कुछ वीक पार्ट पता किए हैं हमने, जहां हिंदुस्तान ध्यान नहीं दे रहा है। हम उसी का फ़ायदा उठाएंगे चाहे जो हो जाए। एक आखिरी अटैक जो कि एकदम सही स्ट्रेटजी के साथ बना हो तो हम हिंदुस्तान को जीत सकते हैं। अगले पार्ट में हम उनके और अपने हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट फॉर स्पेशल मिशन, एरियल टैंकर्स और कैरियर प्लेन्स को देखेंगे और उनके वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक था। अब सब लोग एक साथ स्टैंड पे लगाने। जय श्री राम। सही है। बस आराम से। अच्छा अच्छा सर। आराम से लाइए। सॉरी, डांट दिए था। किसको किसको?